एक माँ का दुई लाड़ी छे और अपना बुआ का चारों लंबा खड़ी का खड़ी छे और दूध पीनी एक ही माँ को दुयो न तक की माँ पर कति जनोजात फरक दिनों क्यों का बीच माँ धर्मो टक छे और काम चोर पर पढ़ाई माँ ठीक छे पर लच्छु विचारों निर्बुद्ध और घर गृहस्थी में ज्यादा लीन छे लच्छु फेल वही तो धर्म दस पास होगी छो और तय साल क्यों का बुबा को स्वर्गवास होगी छो। अब जैसे उनके पिताजी का स्वर्गवास होता है तो अब उनकी माता का संघर्ष देखिए। बिराणो काम धंधा बोलू बट्टा दिन रात करी और मयड़ न पढ़ाई और बियायते कर्ज पात करी धर्म सिपाही बनी और भर्ती हुई बारह पास करी और लचु हया बनी भैया को विश्वास करी। अब धर्मो सिपाही बन चुका है और अब धर्मो की आगे की कहानी है कि धर्मो देहरादून बसी अपना बाल बच्चों दगड़ी और बुढ़ी रहेगी घर में बेरोजगार लचु दगड़ी चौथु वर्ष पूर्व होण बैठी लेगी दून माँ धर्मो भई भयात खोण बैठी दून माँ चार वर्ष बीटी भई की याद भी नहीं आई तय और गजब वेगी अपना टेका की भी याद नहीं आई तय लचु ढंगा फोड़ी भई की देखभाल करनो छो और गाँव का बीच दुई बेरी की पुंगड़ी लाल करनो छो देहरादून जाना का बाद खर्चा भी नहीं दिनी तैन और माजी का मुंड कपाल और त्याग भी नहीं देखी तैन फोन कतरी बार करी चिट्ठी पत्री लेकी तैन और चार वर्ष बीटी अपड़ धर्म बुलानी देखी तैन। अब जब इतना कुछ हो गया तो अब जो उसका छोटा भाई था तो देहरादून जाता है तो अब उस पर है कि पहली बार खुट्टू धारी राजधानी की माटी माँ और अपड़ा भैया मिलन लच्छू पहुंची दून घाटी माँ जखी थक्यू लच्छू अपड़ा सोपा माँ बिठाई तैन और ठंडू पानी मिले के तरिया मग्ग पर पिलाई तैन थोड़ी देर समय सोई बातचीत विचार करी और पता नहीं चली भैर अंधारू कतरी बार हुए और पूजा पाठ करने का बाद रम की शीशी खोली तैन कैन जो देर दम रोम था तैन पूजा पाठ करने का बाद रम की शीशी खोली तैन और जड़ दू एक गिलास कांच का गर्ज गर्ज बोली तैन कि सुन बोला यक गढ़वाई मीने बोलनी तोयन और खाम खा गढ़वालियों की गिनती मानी औणी तोयन यक भैर भीतर गढ़वाई नी लाणी बुला यक औणी तो सिर्फ हिंदी मां बलानी बुला मेरी अपनी इज्जत पर बट्टा न लाणी बुला और गढ़वाई बुली का हैका पर ठट्टा न लगानी बुला। मैं अब जो देहरादून रहता है वो थोड़ा देर देसी बन गया है तो मेरा बच्चों दगड़ी तन्नी ना बुलाड़ी बुला मैं तन्नी नी औणो घर तक यून बिगड़ जानी बुला। अब बोली मेन बोलना चाहो कोई मेरे ने आओ घर हालत बोली की बिगड़ जाल तक गवाओगे ठीक मेरी बात मन लगे टक सर टक लगे सुन बुला देश मां तन्नी यक किले बण्यू भूत बुला बीड़ी बंद कर दुई सिगरेट जगो और चुप किले लगो दगड़ी दगड़ी पैग लगो। अब आगे की है इसमें कि अब जो उसका छोटा भाई है वो इतना कुछ सुनने के बाद जो है वो बोलने लगता है कि अब जो लच्छू है जो छोटा भाई है जो गांव से आ रखा है अब वो सुनो उसका है लच्छू जखमा बैठ्यो तक का झक रहेगी और इतना बात सुनी लच्छू हक रहेगी लच्छू पढ़ियो लिखियो नीचे पर सिर्फ दसवीं फेल छू पर सू कह को गैलू नीचे पर जोड़ा पर की कील छो लच्छ पढ़ना का योग्य नहीं छो पर भड़ होना माल छो पर अपनी सभ्यता संस्कृति में लच्छू बेमिसाल छो धर्मो जांची पर की तैन धर्मो जांची पर की तैन तराजू मां तोली तैन अपना लाटा गुस्सा पर जरा लगाम कसी बोली तैन कि मेरा छोरा मेरा बच्चा माजी के नी पूछी तैन और अपना गाँव कुठार का भी हाल नी पूछी तैन उल्टी शिक्षा देणो कबीर बण्यू संत बण्यू और माला का थुपड़ा में बैठी तू पाखंडी बण्यू या मनुष्य योनि बेकार छा तेरा वास्ता गढ़वाल में जन्म लेनी धिक्कार छा तेरा वास्ता हिंदी छ उर्दू छ भाषा छ अनेक दिदा पर तू अपनी भाषा गलत नजरिया सा न देख दिदा मैं नी रोकनो तू या तू ही भाषा किले बोलनो रे पर तू अपनी गढ़वाली को अपमान किले करनो रे तू न मेरो भाई छ न भयात छ न आशा दिदा जय का दिल में नीचे अपनी भाषा दिदा। अब इतना सुनने के बाद जो धर्म है वो थोड़ा हक हो जाता है फिर उसके बाद फिर लच्छू कहता अपनी मातृभाषा से तो प्यार करना सीख दिदा अपनी मातृभाषा अपना दिल मात लिख दिदा
अपनी मातृ भाषा ते प्रणाम कर सलाम कर और गढ़वाली मत जन्म लीन तुन कुछ तो पुण्य काम कर। धर्मों ते अब नजर उठाना हराम होएगी, तू जक मत है वो तकी के तकी मत जाम होएगी। अब तू लाचार ची लज्जित शर्मसार होएगी, पहली छू तू बड़ू अब छोटा बुला के चार होएगी। अब जो धर्म है, अब धर्म कहता है लच्छू से कि भाई जी कि मेरी मुकड़ी मुसल लग्यू जोड़ा की लगी भाड़ मा भूसू पड़ियों लच्छू भुला मेरा ये कपाल मा। वंत मैंने 12 साल तक हवलदारी करी पर माटी की शर्म करी मैंने बड़ी गद्दारी करी। तक लग मेरी सारी गलती माफ कर दी भुला 1300 और अपना मुंडा अपना हाथ धरी दे भुला। धर्म पर प्राण करी रोण बेटी भीतर मु और अपड़ो पश्चाताप धोनो बेटी वो भीतर मु। लच्छू खड़ू खड़ी लच्छू खड़ू उठी तेना छाती पर लगाई धर्मो और मट मोटू भरत मिलाप होने लगी तकी भीतर मुंड। आप इस कविता का जो शीर्षक है वो ये कविता इसलिए सुनाई गई है कि जो लोग यहाँ से देहरादून मतलब जो लोग देहरादून में रहते हैं तो कई लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चे भी उनके साथ में रहते हैं ठीक, और पर उनके बच्चों को ना गढ़वाली आती है ना उनके माँ बाप ने कोई ऐसा प्रयास किया है कि अपने बच्चों को कुछ गढ़वाली या फिर किसी अपनी ऐसी मतलब सांस्कृतिक विरासतों पे कुछ गर्व कराने का उनको अवसर प्रदान किया जाए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जितने भी लोग गाँव से बाहर रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं तो 6 महीने में एक बार या फिर 1 साल में एक बार अपने बच्चों को लेकर गढ़वाल जरूर आए, अपनी मातृभाषा अपनी मातृभूमि और अपनी सांस्कृतिक विरासतों से उनका टाइम टाइम पे जो है उनको रूबरू करवाते हुए उनको मतलब यहाँ के बारे में ज्ञान जरूर दीजिए। धन्यवाद।